गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी। कैन यू सी मी? कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग महेंद्र। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अभी, क्या आप लोग मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? ओके, हाय पूनमी। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। लेक्चर नंबर 49 है ये। सो हेलो एवरीवन, हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल है, कसकाए। प्रेजेंटिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑन स्टडी आईएएस पेपर 1, दिस इज योर लेक्चर नंबर 49 बाय मी, प्रेजेंट कर रही हैं रमा शर्मा। चलिए आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अनअकैडमी स्पायर पे 25 नवंबर का टेस्ट दीजिए, जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। सुबह 10 बजे ये टेस्ट लाइव होगा और टॉप 50 रैंकर्स को एक्साइटिंग प्राइज और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मैं बता दूं कि 9 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कि आपके बायलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी के बैचेस हैं, इंग्लिश के बैचेस हैं, ठीक है, जहां पर आपका फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, फुल बैच कोर्स होगा, टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, पीडीएफ मटेरियल आपको मिलेगा, डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि आप अपने घर से बैठकर पढ़ सकते हो, आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो किसी भी फैकल्टी के, जो कि टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ा रहे हैं। एक ऑफलाइन क्लासेस में आपको सेलेक्टेड एजुकेटर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में आपको पढ़ा रहे हैं। सो आप यहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं, आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो स्टडी मटेरियल को, और कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाता है। ओके महेंद्र, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपके लिए, तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जैसे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPSC SE, ठीक है, स्टडी IAS कूपन कोड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो डेली 7:30 बजे टेस्ट होता है, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होते हैं उस दिन के करंट अफेयर्स के, चाहे वो हिंदू हो, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, PIB हो, किसी भी चीज़ से, तो सब जगह से कंसोलिडेट करके आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 20 मिनट के, 40 नंबर के टेस्ट होते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री है आपके लिए, तो आप इसका टेस्ट एनालिसिस भी करा सकते हैं, और इसको देने से अगर आप 1 महीने लगातार देते हैं तो करंट अफेयर आपका बहुत सॉलिड हो जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन के हिसाब से डेली के आपके पूरे महीने में बनते हैं 600 क्वेश्चन, ठीक है, तो महीने में 600 क्वेश्चंस लाइक कि आपने पूरे महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिए हैं। अगर आप अनअकैडमी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, ये चैनल्स के नाम दिए हुए हैं, वहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अगर किसी भी समस्या के लिए आप चिंतित हैं तो आप इस नंबर पर फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ये स्टडी IAS का ऑफिशियल नंबर है जहां पर आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कराया जाता है, ठीक है। हाय नीरज। सो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 5, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी।
मोबिलिटी मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया है कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है, कि जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो मतलब बेटरमेंट की तरफ हो या फिर आप वर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स देखो मोबाइल का मतलब क्या होता है, पहले जैसे आप लोगों के घरों में होते थे लैंडलाइन फोन, उसको आप कहीं लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। फिर आपके यहाँ ये वॉकी टॉकी, तो वो एक घर की एक रेंज में ही चलता था। फिर आया आपके यहाँ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन आप अपने साथ कैरी कहीं पर भी कर सकते हैं, इवन आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं वहां पर भी अपने आप फोन को कर सकते हैं कैरी। तो मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर, एक सेकेंड रुकेगा, मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप जहां पर मूव कर सके मोबाइल, मतलब आपका हो मोबाइल को, मतलब आपका जो सेलुलर फोन होता है उसको मोबाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आप उसको मूव करा सकते हैं, पोर्टेबल होता है। तो सोसाइटी में जो आपका स्तर है, ठीक है, मोबिलिटी दैट इज हाँ एबिलिटी टू मूव, तो सोसाइटी में जो आपका स्तर है उसको भी आप क्या है मूव करा सकते हैं विद योर एक्शंस। तो उसमें इसको हम थोड़ा मोबिलिटी को और डीप में इस यूनिट में पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है, काफी सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बोली हैं उसके लिए। तो जैसे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है उसमें क्लास के बेस पे वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, रेस के बेस पे ब्लैक व्हाइट ये सब, एथनिसिटी जो आपका कल्चर है, जेंडर के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, रिलीजन के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर बाकी सब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, शेड्यूल क्लास, जनरल क्लास, ओबीसी क्लास, तो ये क्या है स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है आपने, ठीक है। रेस के मतलब ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल, जो आपको यूएस वगैरह में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, वहां पर क्लास का उतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना ज्यादा रेस का होता है। एथनिसिटी मतलब आपके कल्चर के बेस पर, जेंडर पुरुष महिला वहां पर भी वर्गीकृत किया जाता है। हाँ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आपको इसका पूरी यूनिट का वो भी बताऊंगे। अब ये क्या करता है, जैसे कि अभी नीरज ने भी बोला कि अगर आप समाज में स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हो, एक मतलब ग्रुप्स बना रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो समाज को, तो क्या है ये आपका इनइक्वालिटी को दिखा रहा है, ठीक है। अपर क्लास, लोअर क्लास, तो आपने वहां पर क्या कर दिया, लोगों को इनइक्वल कर दिया, ब्लैक वर्सेस व्हाइट आपने लोगों को अनइक्वल कर दिया, एथनिसिटी के बेस पर भी आप लोगों को, जैसे ट्राइबल और अर्बन लोगों के बीच में क्या है इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी कल हमने काफी पढ़ी थी, रिलीजन के बेस पर भी, अब जैसे क्या है कि अगर आप इंडिया में आते हो तो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, बाकी पॉपुलेशन कम है। अगर आप उधर जाते हो अपना सऊदी वगैरह, गल्फ वगैरह में जाते हो, तो वहां पर आपको इस्लामिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये क्या है रिलीजन के बेस पर भी आप बता सकते हो, किसी भी कंट्री का आप नाम लोगे तो आपको इमेज में आ जाएगा कि हाँ वहां पर कल्चर डोमिनेट किसका ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है स्ट्रेटिफिकेशन है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे कि आपने एक था मेल जो कि जेंडर के बेस पे किया था, ठीक है, मेल फीमेल, और अब क्या है LGBTQI जो कम्युनिटी है आपकी, ठीक है, अब आपने समाज में इनको भी अलग से वर्गीकृत कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, हाय गुड मॉर्निंग क्रांति, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर भी आपने क्या कर दिया है स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर आगे देखनी है। सिलेबस में क्या क्या है आपके, में सिलेबस में स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी यूनिट का नाम है, पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, एक्सक्लूजन क्या होता है, पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है कि थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, के अलग अलग थ्योरीज ने या अलग अलग थ्योरीज को अलग अलग स्कूल ऑफ पर्सपेक्टिव्स को मानने वाले लोगों ने, मानने वाले सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, वेबेरियन थ्योरी क्या है, फंक्शनलिज्म थ्योरी क्या है, ये तीन थ्योरी बेसिकली आपको दी गई है यहाँ पर। तो इन तीनों के आस्पेक्ट से हमें ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखना है। फिर आपका थर्ड टॉपिक है डायमेंशंस, डायमेंशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास क्या है, स्टेटस ग्रुप्स क्या है, जेंडर और एथनिसिटी रेस, मतलब जो मैंने आपको पहला ये फिगर दिखाया था, तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। तो इन सब पे हमें चर्चा करनी है कि रेसिज्म के ऊपर क्या होता है, एथनिसिटी के ऊपर मतलब किस तरीके से समाज को बांटा गया है। फिर लास्ट में आपका टॉपिक आता है सोशल मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी आप सभी जानते हैं।
तो इसके टाइप्स हैं बेसिकली कि ओपन एंड क्लोज सिस्टम में किस किस तरीके से एक कम्युनिटी मोबाइल हो सकती है, मतलब मोबाइल अंदर मूव कर सकती है अपने सोशल स्टेटस को, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी क्या है, सोर्सेज क्या है और कॉजेज क्या है मोबिलिटी के, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी 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 इजी यूनिट, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं इस यूनिट को 3 से 4 दिन में खत्म करा दूं, ठीक है। सो आज क्या है, आज है गाइस आई थिंक आज 19, 20, 21, ठीक है। 21 तक आपकी क्लास होगी, 22 और 23 की क्लास आपकी रिकॉर्डेड होंगी, तो 19, 20, 21 और आज की क्लास, 21 तक ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, तो आज देखो पहले अभी ये जैसे स्ट्रेटिफिकेशन में इन्होंने बोल दिया कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी पढ़ो इनइक्वालिटी पढ़ो, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम बेसिक्स करेंगे अच्छे से सो दैट के हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। आई थिंक आप सबको ये चीज ठीक लगी होगी। तो स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब आपको इंग्लिश डिक्शनरी से तो मिल जाएगा कि क्या होता है वर्गीकरण, या मतलब ये आप स्ट्रेटा जो बनाते हैं, लेकिन इसको आप डिफाइन करोगे कैसे और अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का इस पे क्या कहना है। क्लास आज 1 घंटे की ही होगी, क्योंकि अगर मैं आपको अभी अपना घर दिखाऊं तो पूरा घर फैला हुआ पड़ा है, पैकिंग चल रही है, और जिस कोने में मैं बैठी हूँ बस वो ही आपको थोड़ा साफ सुथरा लग रहा होगा, बाकी के मतलब पूरा रूम फैला वाला पड़ा है, तो मेरे को वो पैकिंग वैकिंग भी करनी है। तो क्लास अभी आज की क्लास आपकी 1 ही घंटे की होगी, ठीक है। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, अब आपको सभी को पता है, जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं कि एक इंसान है जिसने बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं और एक इंसान है जिसने ऊपर मतलब सिर्फ नीचे कपड़े पहने हुए हैं, अपर बॉडी पार्ट जो है वो उसका अनकवर्ड है। अब ये पर्सन जो है, ये पर्सन है, ये है, ये लोग क्या है, आप इनको देख सकते हैं, ये क्या है, ये ऑपरेसर है, ठीक है, जो ऑपरेस कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और ये क्या है, बेचारा ऑपरेस्ड हो रहा है, इसने ऊपर कपड़े नहीं पहने हुए, सिर्फ नीचे तन ढकने भर ही इसके पास कपड़े हैं। तो समाज में होता क्या है, ये इनइक्वालिटी या पीपल लोग आपस में इतने डिफरेंट क्यों हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इन सब का बेसिस क्या है। श्योर, या आई एम शिफ्टिंग टू देहरादून ऑन 22nd of November ऑन संडे, ठीक है। सो सारी की सारी जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर लोग क्या है, आपस में अलग हैं, चाहे वो उम्र के स्तर पे ले लो, अगर घर में कोई बड़ा है, उम्र है मतलब उसकी ज्यादा, लेकिन अगर वो फिर भी अच्छी बात या कुछ लॉजिकल चीज नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं उससे वो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कि आप अपने दादी दादा को, अगर वो दादी दादा जो हैं आपके पुराने या नानी नाना या जो भी उस एज ग्रुप का इंसान है, अगर वो कुछ ऐसी बात कर रहा है, जैसे कल हमने फेमिनिज्म वाली चीजें पढ़ी, इनइक्वालिटी वाली बात कर रहा है या लड़कियों, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि नहीं मतलब बहस मत करो, मतलब जवाब मत दो, पलटकर जवाब मत दो, क्यों, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को शो करता है हमारी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो बेस्ड होती है एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर, मतलब दैट इज मैन एंड वीमेन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, एज में, सेक्स में, ठीक है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इन सब आस्पेक्ट्स पे लोग क्या है एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट होमोजीनियस, ये बात तो सभी को पता है कि ये जो हमारी समाज है वो होमोजीनियस नहीं है। अगर होमोजीनियस होता तो समाज में सब कुछ इक्वल होता, सब चंगासी वाली कंडीशन होती, सब मौजा ही मौजा है, लेकिन हमारा जो समाज है वो हेट्रोजीनियस है, पूरा विश्व का जो समाज है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अलग अलग रंग के, अलग अलग भांति के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों में मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, तो जो ह्यूमन सोसाइटी है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, नेचुरल डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं भाई आपके, एक तो एज नेचुरल डिफरेंस होती है भाई आपकी, ऑब्वियसली आपकी एज आपके बच्चों से ज्यादा होगी, ठीक है, आपके बच्चों की एज तो आपसे ज्यादा नहीं होगी, तो नेचुरल डिफरेंसेस क्या है, एज है, सेक्स है, ठीक है, मेल फीमेल, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तीन क्या है आपकी नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं। इन नेचुरल डिफरेंसेस के अलावा, ठीक है, ये वो डिफरेंस है जो आपको प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। इन नेचुरल डिफरेंसेस के अलावा सोसाइटी को या ह्यूमन बींग्स को अलग तरीके से भी डिफ्रेंशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू सोशली अप्रूव्ड क्राइटेरिया, ठीक है, समाज के जो क्राइटेरिया बने हुए हैं। सो सोशली डिफ्रेंशिएटेड मैन आर ट्रीटेड एज सोशली अनइक्वल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ सोशल रिवॉर्ड्स लाइक स्टेटस, पावर, इनकम, ठीक है। जैसे कि सोशली डिफरेंटेड
डिफरेंशिएटेड इंसान जो है, मैन MEN मैन की बात करी गई है, तो एक से ज्यादा आदमियों की बात करी गई है, तो वो सोशली अनइक्वल कैसे होंगे। अब जैसे मैन है, ठीक, हमने अभी बात करी थी कि नेचुरली तीन तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, एक होता है आपका एज, इसको तो छोड़ दो, एक होता है आपका सेक्स जिसमें आते हैं आपके मेल और फीमेल, एक होता है आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको भी छोड़ दो, ये इंसान का नेचर है, ये भी इंसान का नेचर है। अब अगर आप मेल की बात कर रहे हैं और फीमेल की बात कर रहे हैं, अब मेल्स के अंदर भी आप स्ट्रेटिफाई, अब ये एक नेचुरली क्या है, ये एक चीज है, ठीक है, जितने भी मेल हैं उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, लेकिन सोसाइटी ने उन मेल्स को भी आपस में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है, अनइक्वल किया हुआ है। अनइक्वल किस बेस पर किया हुआ है? सोशल रिवॉर्ड्स के बेस पर, ठीक है। सोशल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं भाई? जैसे कि आपका स्टेटस है, जैसे कि आपकी पावर है, जैसे कि आपका मनी है, जैसे कि आपकी इनकम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप US में बात करो, तो US में इनकम के ऊपर लोग ज्यादा स्ट्रेटिफाई होते हैं, ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में पावर और स्टेटस पे ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। आपका जैसे गांव में कोई जमींदार है, तो गांव मतलब जिसके पास ज्यादा खेती है वो भी किसान है, जिसके पास कम खेती है वो भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेती है तो उसका स्टेटस अच्छा होगा, उसके पास पावर होगी। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो पावर और स्टेटस के बेस पर है, जबकि US में क्या है, US में जो मेन डिफरेंशिएशन आता है, एक तो वो रेसिज्म का आता है, दूसरा आता है इनकम का, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट था कि इनइक्वालिटी क्या होती है, वो यहाँ पर खत्म होता है कि सारी सोसाइटीज में अलग अलग करेक्टर, मतलब तीन तरीके से बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा लोगों को और तरीके से भी समाज जो है डिफरेंशिएट कर देता है। सो द टर्म सोशल इनइक्वालिटी सिंपली रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज। यस, बिकॉज US का जो मैंने आपको कल्चर पढ़ाया था कि US में क्या है कि अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तो क्या होगा, आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, वो सब मैंने आपको कराया हुआ है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटी क्या है? सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी समझ में आ गई ना आपको? स्टेटस के बेस पर, पावर के बेस पर, इकोनॉमी के बेस पर, ठीक है, कास्ट के बेस पर, वो सब भी हैं, क्लास के बेस पर, ये सारी इनइक्वालिटीज भी हैं। मतलब ये जितने भी आपके ये जितने भी आपके क्या हैं, डायमेंशंस हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन के, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन के डायमेंशंस ही आपको क्या बताते हैं? इनइक्वालिटी बताते हैं, ठीक है। प्लस इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो? प्लस स्टेटस, प्लस पावर, प्लस इकोनॉमी। इन सारे बेसिस पे क्या होता है? इनइक्वालिटी समाज में होती है, ठीक है। तो अब यही क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफाइंड एज द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन ह्यूमन सोसाइटी। दो इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है सोसाइटी में, जो इनइक्वालिटी आपको दिखती है, वही क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ठीक है, या फिर SC ST है, OBC है, तो ये क्या है? अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, या हम SC ST में आते हैं, हम OBC में आते हैं, या हम माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये सब क्या है? एक इंसान जो प्रकृति ने दिया है आपको, उसके बीच में आप इनइक्वालिटीज क्रिएट कर रहे हो। पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। पावर, हाँ, प्रेस्टीज मतलब स्टेटस एंड वेल्थ, दैट इज इक्वल टू इनइक्वालिटी, राइट नीरज? So often we think of stratification in terms of assets and properties. Sometimes हम क्या है, assets देख लेते हैं, properties देख लेते हैं, उसके बेस पर inequality, लेकिन जरूरी नहीं है inequality आपके asset और properties के बेस पर ही हो। बहुत सारी चीजों के, जैसे कि आपका gender है, age है, religious affiliation है, और military rank में भी आप अगर जाओगे तो officers के mess अलग होते हैं, ठीक है। Even अब आप Delhi में देखोगे तो जनकपुरी side अगर आप जाओगे तो वहां पर officers mess अलग होते हैं और नॉर्मल जनरल सिपाहियों के मैस अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, आप देश की वेलबींग के लिए काम कर रहे हो, सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ही क्या है, अलग अलग मैस बना के दे रही है आपको, तो
इन्हीं इक्वल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी कर रही है. सो ऑल सोशली स्ट्रेटिफाइड सिस्टम हैज थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट चेतन? ठीक है, तो क्या है इनइक्वालिटी में, आपको ये तीन चीजें तो देखने के लिए मिलेंगी ही. कौन सी तीन चीजें? वो है द रैंकिंग अप्लाई टू सोशल कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विदाउट नेसेसरली इंटरेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग विद ईच अदर. के आपने जनरल कैटेगरी बना दी, एक कैटेगरी बना दी आपने जनरल कैटेगरी, और पूरे इंडिया में ये जनरल कैटेगरी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इस जनरल कैटेगरी के लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं. कौन आता है जनरल कैटेगरी में? लाइक आपके ब्राह्मण्स हैं, ठाकुर्स हैं, ठीक है, आपके जो बनिया होते हैं वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं. ये लोग जरूरी नहीं है आपस में एक दूसरे को जानते भी हों, लेकिन फिर भी एक ही कैटेगरी, एक ही सोशल कैटेगरी के अंदर आते हैं. एससी एसटी पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी एक ही सोशल कैटेगरी के अंदर आते हैं. ठीक है, रिलीजन के बेस पे अगर आप बात करो, यहाँ पर भी हिंदू है, केरला में भी हिंदू है. ठीक है, हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते. हो सकता है उनके रिचुअल्स अलग अलग भी हों, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हिंदुइज्म एज एन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो हम एक सोशल कैटेगरी में आ गए दोनों. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उन्हें जानते ही हैं. तो बेसिकली क्या है, रैंकिंग अप्लाई टू सोशल कैटेगरी ऑफ पीपल जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटरेक्ट ही कर रहे हों या फिर एक दूसरे को पहचान ही ले. अब या तो तुम लोग ही अपने डेफिनेशन दे दो या मैं ही पढ़ा लूं. ठीक है, सो इंसानों की जो लाइफ के एक्सपीरियंस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंसान के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करती हैं कि उनको किस तरीके से किस सोशल कैटेगरी में रैंक किया जाएगा. हाँ ठीक है, सो आपकी रैंकिंग पे एक तो आपका सोशल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिनको आप फॉलो करते हैं उनके हिसाब से रैंकिंग होती है, दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी रैंकिंग होती है. अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से कि भाई आप लोअर क्लास में फिट हो रहे हो या आप मिडिल क्लास में फिट हो रहे हो, या आप और अचीव कर रहे हो तो आप हायर क्लास में, अपर मिडिल क्लास में जा रहे हो और अचीव कर रहे हो तो आप कहाँ हैं, बिल्कुल अपर क्लास में. तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो तीसरा तरीका क्या है रैंकिंग करने का, भाई स्ट्रेटिफिकेशन में आप क्या करोगे कि रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, तीसरे नंबर पे आप किस चीज को रख रहे हो, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, चौथे पे किसको, यही क्या है आपका स्ट्रेटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है. तो अब क्या है तीसरे तरीके से रैंकिंग आप कैसे कर सकते हो, द रैंक्स ऑफ डिफरेंट सोशल कैटेगरीज टेंड टू चेंज वेरी स्लोली ओवर टाइम. ठीक, तो जैसे कि आप अपना इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज कर सकते हो जिससे कि आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा. अगर आप सोशली अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपकी बातें मान रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या है प्रेस्टीज भी धीरे धीरे स्लोली ओवर टाइम ठीक हो जाएगी, या फिर वो नेगेटिव साइड में भी जा सकती है. ठीक है, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो आपकी इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी. ठीक है, आप पैसा बर्बाद कर रहे हो. कहने का मतलब यह है कि ये जो रैंक्स हैं, डिफरेंट सोशल कैटेगरीज जो बनाई हुई हैं समाज के अंदर, वो ओवर द टाइम धीरे धीरे चेंज हो सकती है. अब कोई अगर मुझसे पूछे कि ये जो क्लास वाला, मतलब चलो ठीक समझ आ गया, अपर क्लास लोअर वाला, कि ये चेंज हो जाएगा, स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, प्रेस्टीज भी चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन कास्ट को कैसे चेंज करोगे? ठीक है, कास्ट को आप कैसे चेंज करेंगे कि कोई अपर कास्ट में है, कोई लोअर कास्ट में है, कोई सॉरी अपर नहीं, कोई जनरल कैटेगरी में है, कोई ओबीसी में है, कोई एससी एसटी में, ये कैसे चेंज होगा? अब इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग अपने आसपास ही देखते होंगे. बनिए ओबीसी में नहीं आते हैं शायद, बनिए जो हैं वो ओपन कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में, शायद मेरे को जितना पता है. अब ये कास्ट वाला कैसे चेंज होगा? तो आप अपने आसपास ऐसे देखते होंगे कि कोई, मतलब मैंने तो ये बहुत देखा है जहां से मैं बिलोंग करते हूँ, जहां पे मेरा बचपन बीता है, कि एक फैमिली है ब्राह्मण फैमिली और एक फैमिली है ओबीसी से बिलोंग करती है, लेकिन वो अपने आगे शर्मा लगाने लग गए. ठीक है, शर्मा लगाने लग गए, उनके बच्चे भी शर्मा लगाने लग गए. अब उनके बच्चे क्या है जनरल कैटेगरी में खुद को लिख रहे हैं. आपको पता है, अच्छा ठीक है, हो सकता है ओबीसी में हो, ओके मुझे हो सकता है गलत पता हो, ओबीसी में हो सकता है. तो अब क्या है, एससी एसटी वाले भी आपको जैसे बहुत मिल जाएंगे, और आज की डेट में तो जनरल कैटेगरी वाले भी, क्योंकि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो समटाइम्स वो भी क्या है
मतलब अपना सरनेम ना हटा के और खुद को ओबीसी में या एससी एसटी में भी दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, सो अब होता क्या है कि आपने किया, चलो आपके आसपास के पड़ोसियों को पता है कि आपने अपना सरनेम चेंज कर लिया है, ठीक है, और आप दूसरी कैटेगरी में खुद को लिख रहे हो, मतलब अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हो, आपके बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे और ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं जॉब करने बाहर जाएंगे तो वहां तो कोई तुमको जानता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी तुम्हें जानता पहचानता नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम एक्चुअली में शर्मा हो या शर्मा नहीं हो, तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे फिर जब उनकी जनरेशन आगे बढ़ेंगी देन वो देन दे फॉल इन जनरल कैटेगरी। अरे सर्टिफिकेट अभी तुमको नहीं मिलेगा ना, मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे फादर ने अपना सरनेम चेंज किया है, ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है, अब लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशंस में जब शर्मा 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 हो जाएगा, हर जगह पे शर्मा हो जाएगा, तो जब मेरा बच्चा होगा देन उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स के सारे डॉक्यूमेंटेशंस में क्या है, हर जगह शर्मा 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 है, तो उसको वो। और दूसरी चीज कि जो लोग आपके मतलब जनरल कैटेगरी, ऑब्वियसली बात है कि जनरल कैटेगरी को थोड़ा सा मतलब जो हमारा सोशल थिंकिंग है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी को बेस्ट माना जाता है, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी और इस तरीके से। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जनरल कैटेगरी में होते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता तो उनको अलग से एक प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, जो ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं उनको वो प्रमाण पत्र लगाना होता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब सोशल थिंकिंग को अगर आप अपनी तरफ ऐसे देखो कि मुझे शर्मा बनना है, मुझे मतलब जनरल कैटेगरी में आना है, तो फिर आपको तो कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, EWS वो इसलिए आया क्योंकि समटाइम्स जनरल कैटेगरी में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो जिनके सरनेम्स हैं जो उनको जनरल कैटेगरी में फॉल करने के लिए अबाइड करते हैं, बट इकोनॉमिकली वो लोग बहुत वीक है, तो EWS उसके लिए आया है सो दैट के उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सके और वो मिल सके, आपका रिजर्वेशन मिल सके, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अब क्या है, पर्टिकुलरली क्या बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। सो ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। तीन तरीके से सोसाइटी क्या है अरेंज करती है, एक सुपीरियर होता है, चाहे आप कास्ट के बेसिस पे ले लो, क्लास के बेसिस पे ले लो, इकोनॉमी के बेसिस पे ले लो, या किसी भी बेसिस पे ले लो, तीन तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा, सुपीरियर मतलब जो अपर होता है, इंफीरियर और इक्वलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज एन प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन वेयर वाइज सम पीपल कम टू रैंक हायर देन अदर्स, ठीक है। बहुत इजी है समझने में, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, जहां पर लोगों को एक दूसरे से हायर रैंकिंग दी जाती है। अगर आप एक शब्द में समझना चाहें तो जब इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को रैंक किया जाता है तो कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर उनको हायरार्की में डाला जाता है। हायरार्की किस चीज की होती है, या तो वो स्टेटस की हो सकती है या आपके किसी भी क्लास की, जेंडर की, इस तरीके से हायरार्की होती है। अब हायरार्की में अगर जेंडर को डालोगे तो मेल्स को हमेशा सुपीरियोरिटी दी जाती है, देन फीमेल्स आती हैं। हम बोलने में भी मेल फीमेल बोलते हैं, ना कि फीमेल और मेल बोले, ठीक है। तो हायरार्की के हिसाब से क्या है, स्टेटस हो, लेवल हो, ठीक है, इन सब चीजों के बेसिस पे क्या है, एक हायरार्की बनाई जाती है और उसके हिसाब से रैंकिंग करी जाती है। तो ये क्या है, बेस्ड अपॉन द इनइक्वालिटी ऑफ सोशल पोजीशंस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स, ठीक है। सोशल पोजीशन जो इंसान की है उसके जो इनइक्वालिटी है उस बेस पर क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा और लेयर्स, समझ में आ गया, समाज को एक अलग अलग लेयर्स में तब्दील कर देना, दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें होता क्या है, एक हायरार्की बनती है सोशल ग्रुप्स की, मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर हैव कॉमन आइडेंटिटी। अगर कोई लोअर क्लास का इंसान है, दो लोअर क्लास के हैं, तो उनकी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उनका उनके समाज का स्ट्रक्चर, लोअर क्लास सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरा कॉमन आइडेंटिटी होगी उनकी, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर क्लास का बंदा ऑडी लेके घूम रहा है, तो फिर वो किस बात से लोअर क्लास का, फिर वो पर्टिकुलर लेयर में आया ही क्यों, ठीक है। सो दे हैव द सिमिलर लाइफस्टाइल, तो इनका क्या है, लाइफस्टाइल जो है वो सिमिलर होता है किसी भी, अगर आप अपर क्लास की बात करोगे तो उनका लाइफस्टाइल एक जैसा होगा, मिडिल क्लास की बात करोगे उनका लाइफस्टाइल एक जैसा होगा, लोअर क्लास की बात करोगे उनका लाइफस्टाइल एक जैसा होगा।
सो द इंडियन कास्ट सिस्टम प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम. इंडियंस में भी आप वर्ण देख सकते हो. और अगर आप वर्ण से पहले भी बात करो, वर्ण से पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर वहां आप वहां पर भी जाते हो तो वहां पर भी, अगर आप बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी में चले जाओगे हंटर एंड गैदरर वाली में, तो वहां पर तो कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, वहां पर सब इक्वल थे. ठीक है, तो जैसे मार्क्स भी बोलते हैं कि कम्युनिज्म में क्या है, आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरफ चले जाओ. प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब सोसाइटी का बेस हो प्रिमिटिव, कि सब बराबर हैं और वेल्थ जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबके पास हो, तो उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला गया. हंटर गैदरर से आगे जब आपकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब आप वहां पे जाओगे तो आपने एक मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो वहां पर क्या होते हैं, एक पोस्ट होती है महंत करके. महंत कौन होता है, द पावरफुल पर्सन, और मतलब पूरी सोसाइटी में, पूरे मतलब वो सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा ऐसा महामहिम भी जिसको बोला गया है, ऐसा बंदा जो जिसकी सब मात मानते हैं, जिसका प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी स्टेटस बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब ये फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर भी हो सकता है, या फिर ये मेंटल कंडीशन के ऊपर भी हो सकता है, कि कौन कितना वाइजली डिसीजन लेता है पूरी आपकी कम्युनिटी के लिए, उस पर भी हो सकता है. तो तब से ही ये क्या चल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन चल रहा है. ठीक है, हंटर गैदरर्स के बाद में जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन है, या फिर और भी कंट्रीज के अंदर जो भी आपकी सिविलाइजेशंस हैं, वहां से ही ये स्ट्रेटिफिकेशन चल रहा है. वर्ण्स तो बहुत बाद में आए, वर्णास जो है, वर्णा सिस्टम तो बहुत बाद में आया, जिसमें आपको बोला जाता है कि एक होगा ब्राह्मण जो कि क्या करेगा, पढ़ाएगा, एक होगा वैश्य जो बिजनेस करेगा, एक होगा शूद्र जो साफ सफाई करेगा, सोसाइटी को क्लीन रखेगा. ठीक है, एक होगा क्षत्रिय जो क्या करेगा, समाज की रक्षा करेगा. तो वर्णा सिस्टम तो बाद में आया, स्ट्रेटिफिकेशन उससे पहले से चला आ रहा है. सो द सोसाइटी इन विच डिविजन ऑफ सोशल क्लासेस एग्जिस्ट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी. अब जिस सोसाइटी में ये सोशल क्लासेस होंगी, जिस सोसाइटी में ये सोशल क्लासेस होंगी, उस सोसाइटी को बोला जाएगा स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी. और 95% ऑफ सोसाइटी इन द वर्ल्ड क्या है, स्ट्रेटिफाइडेड है ऑन सम और अनदर बेस. ठीक है, मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज, जो मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, वहां पर सिर्फ उनके काम के आधार पर स्ट्रेटिफाई किया जाता था कि जो पढ़ाएगा वो ब्राह्मण है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा, जो ज्ञान बांटेगा वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि किसी वैश्य का बच्चा, ठीक है, जो व्यापारी है, जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाया जाएगा. तो हो सकता है कि किसी वैश्य का बच्चा जो ज्ञान बांटने में, मतलब उसने कहीं बचपन में पढ़ाई करी हो, ज्ञान अर्जित किया हो, और बड़े होकर वो ज्ञान बांटने लग जाए, ठीक है, पढ़ाने लग जाए, तो वो फिर क्या है, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दी, मतलब वहां पर सरनेम नहीं चलता था कि फादर वैश्य है तो उसकी सारी पीढ़ियां वैश्य होंगी. वहां पर अकॉर्डिंग टू दी ऑक्यूपेशन, वर्णा सिस्टम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन क्या चलता है, आपका स्ट्रेटिफिकेशन होता है. लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया कि हाँ, अगर हम पंडित हैं तो हमारे बच्चे भी पंडित ही होंगे, मतलब वो स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के बेसिस पे हो गया फिर. ठीक है, सो मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन वो अलग है आपका प्रिमिटिव सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन से. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व टू फिनोमेना, ठीक है, दो फिनोमेना आते हैं. ये दो फिनोमेना कौन से हैं? पहला फिनोमेना आपको बताता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ पजेशन ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, कि उनके पास में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी किसी दूसरे ग्रुप्स और या किसी दूसरे इंडिविजुअल से, जो कि या तो उनको रैंक में हायर बना रही है दूसरों से, या फिर वो रैंक में लोअर है दूसरों से. मतलब एक ग्रुप ये है ग्रुप ए और एक ग्रुप ये है ग्रुप बी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग होंगी. ठीक है, जैसे अगर मेल और फीमेल्स की बात करो तो उनको भी स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है. ठीक है, सो द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस ऑफ इवेल्युएशन. एक तो है आपका पोजेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा. एक है आपका कुछ इवेल्युएशन के बेसिस पे, ठीक है, जो समाज जो है आपको जिस तरीके से इवेल्युएट कर रही है, आपका प्रोफेशन कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस बेसिस पे जब आपको स्ट्रेटिफाई किया जाएगा तो वो इवेल्युएशन के ऊपर किया जाएगा. ठीक है, इवेल्युएशन में मतलब आपकी वर्थ कितनी है. ठीक है, तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस हैं ये, इनमें से आप कोई भी कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने.
ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कि इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस, या तो किसी से बेहतर हो या किसी से कमतर हो, इन हायरार्की एंड ड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस। ठीक है, सो इन्होंने बोला है बेसिकली हायरार्की ऑफ स्टेटस को इन्होंने बेस मान के बोला है कि ये क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कि एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल और ग्रुप किसी दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप से क्या है मोर और लेस होता है अपनी हायरार्की ऑफ स्टेटस में। लैंडबर्ग ने बोला है कि स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर इवैल्यूएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर और हायर। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि एक जो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी होती है, वर्गीकृत सोसाइटी जो होती है, उसको आप इनइक्वालिटी के बेसिस पर मार्क कर सकते हो, और इनइक्वालिटी क्या होगी, हायर वर्सेस लोअर, ठीक है, बिटवीन, यस, नाउ स्ट्रेटिफिकेशन इज गिवन एस्क्राइब्ड स्टेटस, यस कह सकते हो आप, एक लिमिट तक कह सकते हो। ठीक है, अब गिस्बर्ट ने क्या बोला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कि एक डिवीजन है सोसाइटी का, आपने सोसाइटी को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबॉर्डिनेशन। जैसे कि पहले जो वर्णा सिस्टम था उसमें, जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि जो अगर पढ़ाई मतलब जो अगर ज्ञान देगा वो ब्राह्मण होगा, हो सकता है उसका बच्चा ज्ञान ना दे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो वो व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो ब्राह्मण थे, गुरु थे, उन्होंने अर्जुन उन्होंने पांडवों और कौरवों को पूरा सिखाया, शास्त्र विद्या सिखाई, राजनीति सिखाई, सब कुछ सिखाया, लेकिन जो उनका बेटा था अश्वत्थामा, ठीक है, अब क्योंकि वो गुरु नहीं था, वो कोई टीचर नहीं था, ठीक है, वो खुद को बोलता है कि मैं एक क्षत्रिय हूं, ठीक है, क्यों, कि मैं जन्म से ब्राह्मण हो सकता हूं लेकिन मैं कर्म से क्षत्रिय हूं। तो जो आपका वर्णा सिस्टम है वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन या आपके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गिस्बर्ट ने यही बोला कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोसाइटी का डिवीजन है, सोसाइटी को आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो परमानेंट ग्रुप्स में, ठीक है, परमानेंट ऑफ ग्रुप ऑफ कैटेगरी लिंक्ड विद ईच अदर बाय रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी, कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, कौन उसको सबॉर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, कौन मालिक है, कौन गुलाम है, कौन दास है। विलियम से मोड़ा है, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया। विलियम्स ने बोला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की रैंकिंग आप करते हो ऑन अ स्केल ऑफ सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी इक्वेलिटी, जो मैंने अभी आपको तीन बेसिस बताए थे कि इस स्केल पर एक पैमाना आपने बना रखा है सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड करने का, जिसमें आप सुपीरियर, अच्छा ये इससे इस कैटेगरी से ऊपर जाते हैं तो ये सुपीरियर हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक इस कैटेगरी में लाइक करती हैं तो ये इंफीरियर हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक इस कैटेगरी में लाइक करती हैं तो ये इक्वालिटी में आते हैं। तो ये आपने एक पैमाना, एक मेजरमेंट बना रखी है अकॉर्डिंग टू सम कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें आप क्या है इंसान की वर्थ देखते हो, उसकी वैल्यूएशन देखते हो, और ये वैल्यूएशन सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर नहीं होती है, ये वैल्यूएशन आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे देख सकते हो, आप पावर देख सकते हो कि एक इंसान की पावर कितना पावरफुल है, ठीक है, अन्ना हजारे, ठीक है, अगर आप उनको स्ट्रेटिफाइड करो तो आप क्या बोलोगे कि वो एक मिडिल क्लास इंसान है, नहीं, ही इज अ मतलब ही इज लाइक टुडेज गांधी, उनको बोला गया है कि उन्होंने, उनकी वैल्यूएशन क्या है कि उन्होंने, उनके पास इकोनॉमिकली वो पावरफुल नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ समाज को ऐसा दिया है जो कि अंबानी नहीं दे सकता, जबकि वो दुनिया का सबसे मतलब इंडिया का सबसे अमीर और दुनिया का पांचवां या सातवां सबसे अमीर इंसान है, ठीक है, सातवां सबसे अमीर इंसान है पूरी दुनिया का, वो तुम्हें लोकपाल नहीं दे पाया, वो तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पाया जो कि अन्ना हजारे ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन है वो काफी टाइप का हो सकता है, और उस बेसिस पे आपने एक पैमाना बनाया हुआ है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी इक्वालिटी का। रेमंड डब्ल्यू मुरे ने बोला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जहां पर आप एक जगह बोल रहे हो कि हायरार्की है, हायरार्की क्या होती है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से हायरार्की होती है, आपका समाज मतलब यहाँ पर होगा, इधर 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 ऐसे हायरार्की होती है,
वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, लेकिन रेमंड डब्ल्यू मुरे ने बोला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन है सोसाइटी का इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। आपने क्या है सोसाइटी को अलग अलग सोशल यूनिट्स में बांटा हुआ है। कहने का मतलब सबका वही है, हाँ तो कहने का मतलब सभी का वही है, बस अलग अलग तरीके से अलग अलग बात, एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बोला गया है। मेलविन एम क्यूमिन ने बोला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशंस दैट आर अनइक्वल विद रिगार्ड टू पावर प्रॉपर्टी सोशल इवेल्युएशन एंड साइकिक ग्रेटिफिकेशन। कि इंसान की ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उसकी नीड्स जो है वो इमीडिएटली पूरी हो, तो उन चीजों को लेके इंसान कितना साइकी है, तो इन सब चीजों पे आप क्या करते हो सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड कर सकते हो इन सारे बेसिस पर। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। अब टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होते हैं, किन किन बेसिस पे होता है, मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है के कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर। ईस्टेट क्या होता है, ईस्टेट मतलब आपकी पूंजी, ठीक है, स्लेवरी के बेसिस पर, इन सब बेसिस पर क्या है आपका स्ट्रेटिफिकेशन निर्धारित होता है। ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेजर टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई टाइप नहीं है। रेसिज्म भी है, जेंडर भी है, इकोनॉमिक वेल्थ भी है जो आपका ईस्टेट में आ जाएगा, खैर वो तो, और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर टाइप्स ये हैं। आप सोसाइटी में खुद भी देखते हो कास्ट के बेसिस पे कास्टिज्म बहुत होता है, क्लास अपर क्लास लोअर क्लास ये सब बहुत होता है, इकोनॉमिक वेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वेल्थ और पोजेशन के ऊपर कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना पैसा है, और स्लेवरी के ऊपर, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि कास्ट क्या है। कास्ट एक हेरिडिटरी एंडोगैमस सोशल ग्रुप है। आपके दादाजी अगर ब्राह्मण थे या वैश्य थे या क्षत्रिय थे या शूद्र थे, एस किसी भी कैटेगरी में फॉल करते थे, तो आप भी क्या है उसी कैटेगरी के साथ पैदा होते हो, तो इसलिए कास्ट क्या है, हेरिडिटरी है। इन विच अ पर्सन्स रैंक एंड इट्स एकम्पनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर एस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ। जन्म के साथ आप पैदा होते हो किसी कास्ट में, कास्ट मतलब आपके पैदा होते ही आपके ऊपर वो कास्ट का स्टैंप लग जाता है, ठीक है, इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि जैसे पीके में भी बोला है कि वो कहाँ पर है, जिसको ठप्पा कहाँ पर है, कुछ ऐसे बोला है ना, तो पीके मूवी में भी यही चीज बोली गई है। तो आपके जन्म से ही आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता है, एक पर्टिकुलर कास्ट में डाल दिया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, कैथलिक्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, मतलब सिया सुन्नी और ये सब तो रिलीजियस ग्रुप हैं। अगर कास्ट के बेसिस पे देखा जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब क्या है, कास्ट है। क्लास के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा डोमिनेंट है मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में आज आप कास्ट को उतना मानो ना मानो लेकिन क्लास को बहुत मानते हो। अगर मान लीजिए आप अपर क्लास में हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आप ब्राह्मण हो, और अपर क्लास का एक और इंसान है जो बहुत पैसे वाला है, आपसे हो सकता है वेल्थ में थोड़ा ज्यादा ही हो लेकिन वो क्षत्रिय है या फिर वो वैश्य है या फिर वो शूद्र है, आप हो सकता है उस बेसिस पर उसके साथ में कोई भेदभाव ना करो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी में जो अपर क्लास है, अब क्लास में कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी सरनेम कुछ भी हो सकता है, मिडिल क्लास में किसी का सरनेम कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर नहीं, क्लास के बेसिस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सरनेम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक ही क्लास में फॉल कर रहे हो, तो अब ऐसा नहीं है ना कि आप अपने यहाँ पर कोई पार्टी कर रहे हो, पार्टी थ्रो कर रहे हो अपर क्लास के अंदर, तो क्योंकि आपके बाकी के सारे लोग जो अपर क्लास में हैं वो आपकी कास्ट से बिलोंग नहीं करते और आपकी कास्ट के लोग लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं, तो आप उन लोगों को इनवाइट करोगे, आपकी पूरी पार्टी में उन्हीं लोगों को आप इनवाइट करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना, आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि क्लास के बेसिस पर जो डोमिनेंट है आजकल मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, जहां पर आप क्या है कास्टिज्म को उतना नहीं मानते हो, आप वेल्थ के ऊपर क्या है या लोगों की पोजीशन के ऊपर क्या है, उनके अचीवमेंट्स के ऊपर क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।
सो इन दिस अ पर्सन्स पोजीशन डिपेंड्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट अपॉन अचीवमेंट एंड हिज एबिलिटी टू यूज टू एडवांटेजेस द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक एंड वेल्थ दैट ही मे पजेस. ठीक है, अब हो सकता है कि उसकी क्या है, उनके उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हों या उसकी एबिलिटी टू यूज एडवांटेजेस ऐसी हों, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है उसकी एक समाज में एक पर्टिकुलर पोजीशन है, एक समाज में अच्छी पोजीशन है, एक मतलब समाज में लोग उसकी चलती है, सुनी जाती है, पैसा भी अच्छा खासा है, तो ये क्या है एक क्लास के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन हो गया. तो जैसे कि ब्राह्मण मतलब कास्ट में क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए, वैसे ही क्लास में क्या है अपर क्लास मिडिल क्लास. तो मिडिल क्लास के भी दो क्लासिफिकेशन हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आपकी लोअर क्लास. अब बात करते हैं स्टेट के ऊपर. ठीक है, तो स्टेट सिस्टम में क्या होता है, स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिवल यूरोप आपको प्रोवाइड करता है एक और सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पर देखा जाता है कि आपका बर्थ की वजह से, कि बर्थ के टाइम पर एक तो आपकी बर्थ देखी जाती है, बर्थ जैसे कि ये क्या है स्टेट बेसिकली कास्ट और प्लस कास्ट क्लास का. यहाँ पर यह भी देखा जाता है आप कैसे परिवार में जन्मे हो, और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आपकी वेल्थ और आपके पोजेशंस क्या क्या है. सो ईच स्टेट हैड अ स्टेट. ठीक है, तो हर मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए ठीक है कि अगर कोई मतलब समाज में ऐसा है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, प्लीज इससे ऑफेंड मत होइएगा, कि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी और बहुत पैसा कमा लिया. ठीक है, लेकिन समाज में फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी कि अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पर जाओगे और उसको ये पता है कि आप सेम क्लास से तो हो, अपर क्लास से हो, लेकिन आप SC ST कास्ट से हो, ठीक है, तो आपके साथ भेदभाव होता होगा, मतलब आपके साथ इन द सेंस कि नॉर्मली ऐसे भेदभाव होता है. तो स्टेट क्या है, जहां पर क्लास प्लस कास्ट दोनों देखी जाती है, जहां पर यह भी देखा जाता है आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं और फिर किस क्लास से. जैसे कि आपने एक सुना होगा ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड एक ऐसा फेज है जिसका मतलब है रॉयल ब्लड. रॉयल ब्लड माने तो कि आपकी कास्ट भी बहुत सुपीरियर है और आपकी क्लास भी बहुत सुपीरियर है. ठीक है, रॉयल ब्लड. अब चौथा चलते हैं स्लेवरी के ऊपर. तो स्लेवरी क्या है, इकोनॉमिक बेसिस पे आप इसको बोल सकते हैं. स्लेवरी का मतलब ही क्या है कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वही स्लेव होगा. ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 करोड़ का मालिक किसी का स्लेव हो. ठीक है, सो इन स्लेवरी एवरी स्लेव हैड हिज मास्टर टू होम ही वॉज सब्जेक्टेड. अब जैसे कि आज की डेट में अगर आप जॉब करते हो तो आप किसी ना किसी के स्लेव हो और कोई ना कोई आपका मास्टर है. ठीक है, नो डाउट आज की डेट में रूल्स रेगुलेशंस वैसे नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं से कमांड आ रही है और वहां उन कमांड्स को आप क्या है फुलफिल करके दे रहे हो. सो द मास्टर्स पावर कहां चला गया, द मास्टर्स पावर ओवर द स्लेव वॉज अनलिमिटेड. ठीक है, तो स्लेवरी के बेसिस पर भी क्या है स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में हुआ है, पहले से चलता आ रहा है. जैसे कि आपके घर में मान लीजिए कोई हाउस हेल्प है जो कि परमानेंटली आप ही के घर में रहता है, तो आप कौन हो, उसके मास्टर हो, वो कौन है, आपका स्लेव है. नो डाउट आप उसको सैलरी भी दे रहे हो, बट आपके हर ऑर्डर को वो फुलफिल कर रहा है. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेंगी. एक तो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो आपका यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं होता या लंदन में नहीं होता, समाज के हर देश में, वर्ल्ड के हर कंट्री में, हर सोसाइटी में जो है स्ट्रेटिफिकेशन हुआ पड़ा है. ठीक है, सो काफी सारे स्कॉलर्स ने यही चीजें बताई हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, के एक तो स्ट्रेटिफिकेशन आपका यूनिवर्सल होता है, सो देयर इज नो सोसाइटी ऑन दिस वर्ल्ड विच इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता हो. आज का स्ट्रेटिफिकेशन अलग है प्रिमिटिव सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन से. आज आप क्लास में ज्यादा बिलीव करते हो, कास्ट में उतना नहीं करते हो. इट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, पूरे विश्व भर में विश्वव्यापी फिनोमिना है ये. शोरोकिन ने बोला है हाँ दैट इज ह्यूमन बीइंग ना, मतलब वही चीज तो बोली गई कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था, मतलब हंटर और गैदरर में क्या होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग के टाइम पर क्या था कि सब एक बराबर है, सब चंगासी कंडीशन है, ऑल आर इक्वल. ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज को वर्गीकृत किया गया, और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप वापस चले जाते हो हंटिंग एंड गैदरिंग वाले उसमें फिनोमिना में,
आप मतलब स्ट्रेटिफिकेशन हाँ हो सकता है कि बहुत हद तक गलत है, लेकिन आप इससे इसको खत्म नहीं कर सकते हो सोसाइटी से। ये सोसाइटी का ऐसा अभिन्न अंग है जो एक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, आप स्ट्रेटिफिकेशन के बिना मतलब अगर आप ये सोचो कि आज आप मोदी जी को आज मोर्चा निकालते हैं, चलो सब इकट्ठे होकर और बोलेंगे कि समाज में से ये रिजर्वेशन हटा दो और ये कास्ट भी हटा दो और ये अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास भी हटा दो, बीपीएल कार्ड भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, हमें सब इक्वल चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है भाई? रिजर्वेशन तो आज तक आप हटवा नहीं पा रहे हैं, हम लोग हटवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। हर सोसाइटी में हर कल्चर में स्ट्रेटिफिकेशन होता ही होता है। तो शोरोकिन का कहना है, अकॉर्डिंग टू शोरोकिन एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका ये कहना है कि ऑल परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आर स्ट्रेटिफाइड। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज आप कहाँ करते हो चीजों को, जब आप किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करोगे, इवन अगर आप अपनी ज्वेलरी आप अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करते हो, तो वहां पर भी आप मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट करके चीजों को रखते हो कि अच्छा ठीक है ये कपड़ा मैं कम पहनता हूँ तो इसको साइड में रख दो, ये कपड़ा मैं ज्यादा पहनता हूँ तो इसको बाहर की साइड रखना, ठीक है ये स्वेटर मैं ज्यादा पहनता हूँ ये मुझे ज्यादा पसंद है, या फिर ये ज्वेलरी मैं डेली यूज करते हो तो इसको बाहर की साइड रखो, बाकी की ज्वेलरी को गोल्ड की ज्वेलरी डायमंड की ज्वेलरी इसको लॉकर में डाल दो। ठीक है, तो ये क्या है, जितनी भी चीजें जहां पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो जितनी भी परमानेंटली ऑर्गेनाइज ग्रुप है सोसाइटी के अंदर वो सब स्ट्रेटिफाइड है। हेरिडिटरी एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर नॉट सेम। हेरिडिटरी मीन्स कि आपको कोई चीज आपके वंश से मिली है, जैसे कि आपका सरनेम, ठीक है, तो कास्ट के अंदर वो चीज आती है एंड कास्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन अलग चीज है, हेरिडिटरी अलग चीज है। तो दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको बायोलॉजिकली, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि सबका हाथ काटने पर खून तो लाल ही निकलता है, तो बायोलॉजिकल क्वालिटीज आपकी स्ट्रेटिफाई नहीं करती हैं इस सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को, लेकिन समाज के फैक्टर्स जो हैं, समाज का जैसे एज है, सेक्स है, इंटेलिजेंट है, एज वेल एज स्ट्रेंथ है, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेटस को, और वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से लोगों का स्टेटस आप अलग अलग करते हो, इंटेलिजेंस के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, मेल्स वर्सेस फीमेल के हिसाब से, एज के हिसाब से, क्या है आप उनका लोगों का स्टेटस बताते हो। और जैसे कि एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, पावर है, एक्सपीरियंस है, करेक्टर है, पर्सनैलिटी है, ये सब चीजें जो हैं बायोलॉजिकल क्वांटिटी से क्वालिटी से ज्यादा ऊपर रखी जाती हैं। बायोलॉजिकल क्वालिटीज सबकी सिमिलर ही होती हैं, ठीक है, सबका मतलब एक हार्ट है, सबकी दो लंग्स हैं, सबके दो किडनी हैं, ये सबकी क्या है बायोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पावर, आपका एक्सपीरियंस, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब क्या है बायोलॉजिकल क्वालिटीज से ऊपर है। और ये सारी चीजें समाज में क्या है एक अलग अलग फैक्टर्स को बताती हैं। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल बाय नेचर। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल फिनोमिना है। ये पर्टिकुलर सोच है ना, जब मुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसा कुछ है जिसको मैं यूज करके कुछ और बेटर कर सकता हूं, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली अपने सारे एसेट्स को यूज करोगे। अगर आप IRS भी हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, आपको IAS बनना है तो आपको पता है कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो, करोगे तो हो सकता है आपको जो अगर IAS बनने की जो इच्छा है वो जल्दी फुलफिल हो जाएगी, तो आप अपने ऑप्शंस को यूज करोगे। सो बेसिकली दूसरी चीज, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज एंशियंट। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटिफिकेशन कोई मॉडर्न फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटिफिकेशन अभी रिसेंटली मतलब यूरोपियन सोसाइटी से, जहां से सोशियोलॉजी जो है स्टार्ट हुआ है एज अ कल्चर, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इनलाइटमेंट आया, साइंटिफिक इनलाइटमेंट आया, ठीक है, वहां से स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन उससे पहले से भी था, जो हमने ट्रेडिशनल यूरोपियन यूनाइटेड आपको सोसाइटी पढ़ाई है उसमें भी क्या है, स्ट्रेटिफाइड थी सोसाइटी, ऊपर मोनार्क था, फिर उसके बाद में उसकी नोबल क्लास थी, क्लर्जीज थे, फिर उसके बाद में उसकी नाइट्स थे, और उसके बाद में पीजेंट्स थे, सर्व्स थे, तो ये सब क्या है, ये पहले से भी सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड थी। ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी भी
कुछ नहीं, आप मेहनत करिए। हाँ मतलब वो खत्म कर देना चाहिए। अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें डिबेट करने से कोई फायदा तो है नहीं। बस हमको एक EWS नाम की लॉलीपॉप मिल चुकी है कि अगर कोई इकोनॉमिकली जनरल क्लास में है और इकोनॉमिकली वीक है तो उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम बोल रहे थे कि एंशियंट है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न है, और प्लूटो और कौटिल्य के टाइम से भी क्या है मतलब पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चलती रहती हैं। प्लेटो और कौटिल्य के टाइम पर भी, अगर चाणक्य के टाइम पर भी क्या है भाई, चाणक्य के टाइम पर कौन सा राजा था किसी को पता है? पहले कौन सा राजा था जो चाणक्य का फ्रेंड था, जिसने उनकी बेइज्जती करी थी और दैट दब उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा नष्ट कर दूंगा, और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। तो उस टाइम पर भी इनइक्वालिटीज थी। तो ये एंशियंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, ये कोई जहां जैसे कि पुअर और रिच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर था, ठीक है, पावरफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेस पावरफुल और मोर पावरफुल वाला कॉन्सेप्ट राजाओं के टाइम से चला आ रहा है। तो जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो एंशियंट है। तो क्या कितनी चीजें हमने देखी के एक तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका, एक तो आपका स्ट्रेटिफिकेशन सोशल है, एक आपका स्ट्रेटिफिकेशन एंशियंट है, एक आपका स्ट्रेटिफिकेशन क्या है यूनिवर्सल है, ठीक है, ऑस बोल सकते हैं उसको, ऑस एंशियंट यूनिवर्सल एंड सोशल। ठीक है, सो डाइवर्स है बहुत, डाइवर्स मतलब के बहुत से अलग अलग फैक्टर्स पे ये डिफरेंट है, मतलब कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर बहुत ज़्यादा भिन्न है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एस्पेक्ट्स हैं। डाइवर्स का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म नहीं है हर सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में कास्ट के बेस पर है। अगर आप गांव में चले जाओगे तो वहाँ पर अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, वहाँ पर कास्ट के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है। गाँव वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पर कास्टिज्म ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप शहरों में जाओगे तो यहाँ पर कास्ट वगैरह नहीं देखते, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शहरों में क्या होता है, अर्बनाइजेशन में क्लास के बेस पे होता है, इकोनॉमिक वेल्थ के ऊपर, प्रेस्टीज के ऊपर, पावर। अच्छा पॉलिटिशियंस में क्या होता है, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल क्लास है आपकी, वहां पर ये देखते हैं कि किसके पास में ज्यादा पावर है, तो वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन पावर के आधार पर होता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो, अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार की बात करोगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो आपको मोदी जी के साथ में बहुत बार मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो बहुत, अब अगर आपका कोई एक छोटा मोटा विधायक है तो उसकी क्या है, उसकी पावर कम हो गई, तो पावर के बेसिस पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ठीक। तो इन इंडिया स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा कास्टिज्म के बेस पर होता है। जैसे कि एंशियंट आर्यास वर डिवाइडेड इनटू फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। द एंशियंट ग्रीक्स की अगर बात करोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, फ्रीमैन एंड स्लेव्स। फ्रीमैन वो जो कि किसी का गुलाम नहीं है, और स्लेव्स वो हैं जो आपके अपने मास्टर के गुलाम हैं। अगर एंशियंट रोमन्स में चले जाओगे तो रोमन्स में क्या है, दो तरीके से डिवाइडेड इंटू द पार्टीशंस एंड द प्लेबियंस, ठीक है, दो तरीके के उसमें भी वही मास्टर और स्लेव वाला। इन एसो एवरी सोसाइटी पास्ट और प्रेजेंट बिग और स्मॉल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डाइवर्स फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एंशियंट आर्यास देख लिए, एंशियंट रोमन्स देख लिए, एंशियंट ग्रीक्स देख लिए, ये अर्लीएस्ट सोसाइटीज हैं, अर्लीएस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, और इन सिविलाइजेशंस में भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन किसी भी, चाहे आप पास्ट में देख लो, प्रेजेंट में देख लो, बड़ी सोसाइटी, छोटी सोसाइटी, किसी में भी देख लो, हर जगह पे क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अ यू एस प्लस डी, तो एंशियंट है, बहुत पुराना है, यूनिवर्सल है, सोशल है, डाइवर्स है, एंड कॉन्सिक्वेंशियल भी है, ठीक है। तो ए सी डी एस यू, ए सी डी एस यू, अब इसका वर्ड जैसा भी आपका बनता हो आप घुमा फिरा के वर्ड्स को बना लेना तो आपको याद रहेगी। ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है आपका, उसकी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। सो वन इज लाइफ चांस एंड अदर इज लाइफ स्टाइल। ठीक है, एक आपको, एक आपके लाइफ स्टाइल के बेसिस पर आपका क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके उसके परिणाम स्वरूप आप क्या है, सोसाइटी में स्ट्रेटिफाइड हो गए। दूसरा क्या है, आपके लाइफ के चांसेस के ऊपर। सो अ क्लास सिस्टम नॉट ओनली अफेक्ट लाइफ चांसेस ऑफ द इंडिविजुअल बट आल्सो अफेक्ट द लाइफ स्टाइल्स। कि लाइफ में क्या क्या चांसेस मिल रहे हैं वो आपके क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोअर क्लास में हो तो आपको कम चांसेस मिलेंगे, अगर आप मिडिल क्लास में हो तो हाँ ठीक है, हो सकता है आपको। अब जैसे कि आप ट्यूशन टीचर की बात कर लो, अगर आप लोअर क्लास में हो तो आपके माँ बाप आपको उस टीचर तक पढ़ा सकते हैं जो महीने में 500 रुपए आपको ले रहा होगा। अगर आप मिडिल क्लास में हो तो 1000 रुपए की ट्यूशन फीस वाले टीचर से, मतलब वही है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपका अपर क्लास में है तो फिर तो भैया आपके लिए होम ट्यूटर लग जाएगा, आपके माँ बाप के पास दुनिया भर का पैसा है, टीचर को घर बुलाओ और हमारा बच्चा तो बाहर जाएगा नहीं, हमारा बच्चा सबके साथ नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा अकेले में पढ़ेगा, फुल कंसंट्रेशन टीचर को बच्चे के ऊपर देनी होगी। ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ क्लास हैव सिमिलर सोशल चांसेस। अब जैसे लोअर क्लास के लोग हैं तो उनके पास चांसेस भी एक जैसे ही होंगे। ठीक है, सेम सेम लाइफ स्टाइल, सेम सेम चांसेस का, सेम कंडीशन होंगी। यूएसएससीडी, हाँ यूएसएससीडी। और बट द सोशल चांसेस वेरी इन एवरी सोसाइटी। हर सोसाइटी में सोशल चांसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप गांव की सोसाइटी की बात करोगे तो वहां के चांसेस, वहां पे क्या है, वहां पर क्या चीजें उपलब्ध हैं, वो उन चीजों पर डिपेंड करेगी। अगर शहरों में है तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इट इंक्लूड्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की है एजुकेशन के लिए, वही जो मैंने आपको ट्यूशन टीचर वाला एग्जाम्पल दिया। चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जस्टिस, अगर आप किस तरीके की सोसाइटी से बिलोंग करते हो उस बेस पे आपको जस्टिस, अगर आप पुलिस में गए, आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ है और आप बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है मान लीजिए, तो क्या होगा, पुलिस आपकी सुनेगी ही नहीं पहली बारी में। तो अगर आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, आपकी सोशल प्रेस्टीज अच्छी है, तो पुलिस क्या है, भागते भागते आपके घर में कुत्ता भी चोरी हुआ होगा उसको भी ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक मूवी थी डिशुम, जिसमें कि वरुण धवन एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो एक कुत्ते को खोज रहा है। यहाँ पे दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं और वो पूरी मूवी में कुत्ते की, मतलब कुत्ते का ही ढूंढता रहता है, और बाद में भाई चिप विप भी लगाता है कि कुत्ता कहीं वापस से ना खो जाए। लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो लाइफस्टाइल डिनोट्स अ स्टाइल ऑफ लाइफ विच इज डिस्टिंक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। ठीक है, ये एक सोशल स्टेटस से अलग होती है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जिंदगी जीने का तरीका कैसा है, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो फिर भी आप कंजूस हो, और अगर आप कंजूस हो तो आप नहीं चीजों को उस तरीके से यूज कर रहे हो, या हो सकता है आप मिडिल क्लास में हो और आप क्या है, कोशिश करते हो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखने का, लेविश रखने का। ठीक है, तो लाइफस्टाइल जो है आपके सोशल स्टेटस से बिल्कुल अलग होता है। लाइफस्टाइल इंक्लूड सच मैटर लाइक द रेजिडेंशियल एरियाज। भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका लाइफस्टाइल, अगर आप अच्छे तरीके से लाइफ जीना चाहते हो, लेविश लाइफ जीना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप वसंत कुंज में घर लेके रहोगे, है ना, थोड़े ना आप लक्ष्मी नगर में रहोगे, समझ रहे हो, थोड़े ना आप मतलब बदरपुर बॉर्डर पे रहोगे, दिल्ली के अंदर आप रहोगे वसंत कुंज वगैरह में। सो इन एवरी कम्युनिटी रेजिडेंशियल एरिया आपके लाइफस्टाइल को दिखाता है, विच हैव द ग्रेडेशंस ऑफ प्रेस्टीज रैंकिंग, मोड ऑफ हाउसिंग, किस तरीके का घर है, अपार्टमेंट में रह रहे हो या फिर शेयरिंग वाले घरों में रह रहे हो, या फिर इंडिपेंडेंट विला बना के रह रहे हो, कोठी बना के रह रहे हो, या फिर अगर अपार्टमेंट में रह रहे हो तो पेंट हाउस में रह रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, द काइंड्स ऑफ ड्रेस, किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो, किस तरीके के टीवी शोज देखते हो, हाँ विख्यात सीजन 1 आई थिंक एपिसोड नंबर 1 की आप बात कर रहे हो, सीजन 1 एपिसोड 1 सत्ती भाई, है ना। सो टीवी शोज वगैरह किस तरीके के आप देखते हो, टू विच वन इज एक्सपोज एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे तो लोअर क्लास वगैरह सोसाइटी होती है वहां पर क्या है आपको मेलोड्रामा, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास में वही मेलोड्रामा सीरियल्स वगैरह आप देखते हो, और अपर क्लास के लोग तो हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, ऐसा हमारा एक परसेप्शन है। ठीक है, सो लाइफ स्टाइल मे बी व्यूड एज सब कल्चर, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक होता है हमारा कल्चर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और एक लाइफस्टाइल जो आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में क्या बन गया है, एक सबकल्चर बन गया है। ठीक है, सो इन विच वन स्ट्रेटम डिफर्स
from other another within the frame of work of a commonly shared over culture, overall culture. जहां पर क्या है, एक ऐसा सबकल्चर जहां पर जो आपका स्टेटस है वो डिफर करता है दूसरे इंसान से आपको विद इन द फ्रेम ऑफ वर्क, फ्रेम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉमनली शेयर्ड ओवर ऑल कल्चर. जहां पर क्या है, आपका हो सकता है कि आप हिंदू हो, दूसरा भी हिंदू है, कल्चर आपका सेम है, आप भी दिवाली मना रहे हो, वो भी दिवाली मना रहा है. हो सकता है आप बहुत अपर क्लास से हो सकता है वो बहुत ही लोअर क्लास से हो, तो वहां पर क्या है, फिर आपका स्टेटस आपको डिफर कर देगा कि आप दिवाली कैसे मना रहे हो. वो भी दिवाली मना रहा है, उसकी दिवाली अलग होगी, उसके बेचारे वही सुतली बम वगैरह, 4-5 रुपए के पटाखे, चटाई, ये सब होगा, और आपके वो होंगे एकदम ग्रेनेड, एक बार चलाया तो 20 आतिशबाजियां निकल रही हैं. तो सब कल्चर अलग अलग हो गया है लाइफस्टाइल के बेसिस पर. ठीक है, अरे भाई बहुत लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं. अगर आपको कोई ये बोले ना कि मैंने ये, अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड बात कर रहा हो और आपने एक हॉलीवुड मूवी का नाम ले लिया और उसने आपको बताया कि मैंने तो टॉम क्रूज की सारी देखी है, मैंने तो मतलब ब्लैक पैंथर की सारी मूवीज देखी है, मैंने तो ये भी देखी है, वो भी देखी है, तो आपके ना दिल में वहीं पर एक इन्फीरियोरिटी मार्क आ जाएगा. अबे यार इसने तो इतनी सारी मूवीज, अच्छा तेरे को समझ में आती है क्या, सबटाइटल से देखता है या वैसे? तो बोले नहीं. अगर वो आपसे गलती से ये बोल दे ना कि मैं तो सबटाइटल देखता ही नहीं हूँ या देखती ही नहीं हूँ, मैं तो जो ओनली इंग्लिश मतलब जो ऑडियो है वही सुन के मूवी और मेरे मैं तो इंजॉय करते हूँ, तो वहीं पर हम लोग तो वहीं पर ढेर हो जाते हैं. हाँ, तो माइथोलॉजी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है पढ़ना. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं. मैंने आपको पूरा स्ट्रेटिफिकेशन समझा दिया है, आगे हम मोबिलिटी तो आपका लास्ट टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है. तो अगर और कल हम करेंगे जो आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, 4-5 तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार ही दिखा देते हो, और आपका सेकेंड टॉपिक के थ्योरीज क्या क्या है. तो कल हम देखो इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसी पे डिपेंड होता है. फिर हम कल कल करेंगे इक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पावर्टी, डिप्रेवेशन, ये 5 चीजें करेंगे. और उसके बाद में फिर हम करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. कल हम इतनी सारी चीजें कवर करेंगे, और अगर टाइम बचा 1.5 घंटे की कल क्लास होगी तो फिर मैं मार्क्सिस्ट थ्योरी भी आपको करा दूंगी. हाँ, परीक्षा वेब सीरीज इज बहुत ही मतलब वेब सीरीज नहीं, आई थिंक वो मूवी है, और बहुत अच्छी मूवी है वो. चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल. ठीक है, कल 11 बजे आपकी क्लास होगी, तो कल मिलते हैं. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.